गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित लखनपुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान मुकेश कुमार हैं। लगभग 1900 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 1350 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 300 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 270 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 26 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 25 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 31 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में 20 सीसी टाइल्स रोड, बारात घर, आंगनवाड़ी केंद्र, शमशान घाट, मंदिर की बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री, पानी की टंकी, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 120 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान लखनपुर विकासखंड बहेड़ी, मैंने अपने गांव में स्ट्रीट लाइट, नाली, खड़ंजा और मॉडल शौचालय स्कूल का और सीसी रोड काफ़ी मात्रा में डलवा दिए हैं और अभी मुझे काफ़ी सीसी और खड़ंजे की जरूरत। पंचायत घर तो है मेरे यहाँ लेकिन उसकी मरम्मत होनी है और हाँ बारात घर की मुझे बहुत वो है जो सभी गांव वालों की ज़रूरत है और वो कह रहे हैं कि पंचायत के वो बारात घर बनना जरूरी। वन साइड, टीन साइड और चार दीवारी की ज़रूरत है। मेरा गांव एक शहरी गांव की तरह होना चाहिए। दीप सिंह है और मैं यहाँ पर प्रधान अध्यापक के पद पर पिछले 2.5 साल से कार्यरत हूँ और आप जो है उसके बाद 2 साल से हमारे प्रधान जी जो है इस विद्यालय में जो है अपना बहुमूल्य योगदान हमारे लिए दे रहे हैं और इनका लगातार ये प्रयास रहता है कि हमारे विद्यालय में कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट हो और इसी संदर्भ में इन्होंने हमारे विद्यालय में एक बहुत अच्छा टॉयलेट बनवाया है और जिसमें आप मतलब एक अत्याधुनिक टॉयलेट है जो यहाँ के आसपास के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में देखने को नहीं मिलेगा और हम इनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। इन्होंने जो है हमें बहुत सहयोग किया है और ये टॉयलेट जो बनना है वो इनके सहयोग से ही बनना है और लगातार इनका प्रयास रहता है कि अपनी ग्राम पंचायत में अच्छे से अच्छा काम हो। इसी सापेक्ष में इन्होंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय लखनपुर है वहाँ भी इनका बड़ा सहयोग रहा है और वहाँ हमारे सर डॉक्टर कविंद सर हैं वो भी जो है हमारा बहुत कॉपरेट करते हैं जो NPRC है यहाँ पर उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया है और इस विद्यालय को बनाने के लिए हम लोगों ने जी जान लगा रखी है अपनी और हम चाहते हैं कि एक ऐसा विद्यालय हम बनाएं जो अन्य विद्यालयों के लिए एक नज़ीर बने, एक मिसाल बने, तो लोग मोटिवेट हों देखें और जो ग्राम प्रधान हैं दूसरे वो भी हमसे प्रधान जी से मोटिवेट हों और अपने विद्यालयों जो को जो है अच्छे स्तर पर लेके जाएं। इसमें बता दे रहा हूँ यहाँ पर हम एक ठंडे पानी की मशीन रखेंगे और यहाँ वॉश बेसिन रहेगा। आप इधर ले आओ यहाँ पर सब में पूरे में टाइलिंग कराई गई है और इन टॉयलेट्स को विशेष का ध्यान रखी ये स्टाफ के लिए टॉयलेट बनाया है और इसमें बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली जो है सीट्स यहाँ पर लगी हुई हैं। चाइल्ड फ्रेंडली सीट जो है बच्चों के हिसाब से यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर ये इसका बच्चों का भी इसको थोड़ा फिनिशिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा